Hello guys, welcome to my clever books. This is the second video in Madhya Pradesh current affairs MCQs test series. तो जिनने पहले पढ़ चुकी है current affairs उससे इनकी practice हो जाएगी उनकी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको ये चीज़ें मालूम हो जाएगी जो संभावना है कि आपके MPPSC एग्जाम में पूछी जाए 2019 में जो होने वाला है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन September 30, 2018 शिवराज सिंह चौहान जो हमारे सीएम हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है एक न्यू मिनिस्ट्री. तो कौन सी है न्यू मिनिस्ट्री? ये है गौ मंत्रालय. गौ मंत्रालय जो गायों से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ध्यान रखेगा, ये है न्यू मिनिस्ट्री और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 30 September इन नरियावली ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑन सोयाबीन क्रॉप ऑफ. कितना बोनस 30 September को नरियाली जो एक प्लेस है सागर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बोनस डिक्लेयर किया था सोयाबीन पे जो दिया जाएगा, तो वो बोनस कितना है? उसका करेक्ट आंसर है सी, 500 रुपीज़ पर क्विंटल जो बोनस है वो दिया जाएगा सोयाबीन पर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सोयाबीन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है मध्य प्रदेश की. देन नेक्स्ट है, ऑन विच डेट निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर एज द 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो इसका करेक्ट आंसर है October 1, 2018. October 1 को डिक्लेयर किया गया था ये कि निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को जो मान्यता है वो दे दी गई थी October 1 को, और ये इसी दिन अस्तित्व में आई थी. देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट. निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो अभी बनी है रिसेंटली उसका मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय भी निवाड़ी ही होगा. देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी तहसील्स आर लॉन्च्ड इन निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट. निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हालांकि वैसे तो बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें नंबर ऑफ तहसील कितनी होगी? तो वो होगी टोटल 3. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अभी 52nd डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद निवाड़ी के बनने के बाद सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? तो उसका करेक्ट आंसर है ए, निवाड़ी. इसके पहले अगर मालवा थी लेकिन अब निवाड़ी हो गई है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अब पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है निवाड़ी. निवाड़ी क्योंकि इसमें देखेंगे हम तो नंबर ऑफ जो तहसील है वो भी कम है और पॉपुलेशन भी इसकी काफ़ी कम है, तो इसका करेक्ट आंसर है निवाड़ी. देन नेक्स्ट है, रिसेंटली लॉन्च आयुष्मान भारत योजना लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश बाय द नेम. अब आयुष्मान भारत योजना जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च की गई और एक ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जो BPL वाले जो पीपल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो रहते हैं उनको एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा और 5 लाख तक के एक फैमिली को लाइफ कवर दिया जाएगा एक साल में. तो ये बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत सारे लोगों को इसमें कवर किया जाएगा, BPL या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उन लोगों को. तो यहाँ पर इसका नाम क्या था ये पूछ रहे हैं कि किस नाम से लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, निरामयम MP यानी कि निरामयम मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में इस नाम से लॉन्च की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्कीम बहुत बड़ी है और मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है. तो आपको ध्यान रखना है कि किस नाम से लागू की गई है ये स्कीम. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 25 September 2018 मोगली बाल उत्सव सेलिब्रेटेड इन द सिटी. मोगली बाल उत्सव, मोगली जो एक कैरेक्टर है ये नॉवेल कैरेक्टर है, एक बुक है द जंगल बुक जो लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने. तो उसका एक कैरेक्टर है जो मेन लीड कैरेक्टर है उसका, वो है मोगली. तो इसके बारे में सब जानते ही है वैसे, पर रुडयार्ड किपलिंग को ये आइडिया मध्य प्रदेश के ही एक नेशनल पार्क से आया था. तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि वो कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जिससे इंस्पायर होके उन्होंने लिखी थी द जंगल बुक. ठीक है, अबाउट दिस क्वेश्चन, तो 25 September 2018 को मोगली बाल उत्सव जो था वो सेलिब्रेट किया गया था भोपाल में. भोपाल जो कैपिटल भी है मध्य प्रदेश की वहाँ पर.
The next question is, on which of the following places the Ram Leela, which is conserved by UNESCO, is presented between September 23rd to 28, 2018? 23 28 सितंबर को ऑर्गेनाइज की गई है राम लीला, जो ये पर्टिकुलर राम लीला जो है ये यूनेस्को द्वारा कंजर्व्ड है. यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, जो फ्रांस की कैपिटल है. और इसके अलावा इसकी जो हेड है वो है ऑड्रे अजोले. ऑड्रे अजोले एक लेडी है, ठीक है. और जो मेंबर कंट्रीज है यूनेस्को की वो है 195. तो ये इसके द्वारा कंजर्व्ड है, इसलिए ये रामलीला इंपॉर्टेंट है. तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? ये ऑर्गेनाइज की गई है बुरहानपुर में, जो न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर भी. इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट मक्का फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बिटवीन 29 एंड 30 सितंबर 2018? मक्का फेस्टिवल जो था, मध्य प्रदेश का पहला मक्का फेस्टिवल था, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था छिंदवाड़ा में. सी जो है वो करेक्ट आंसर है, छिंदवाड़ा. तो यहाँ पर मक्का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, तो ये भी आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज्ड टू बी स्टेट स्वाइप आइकॉन फॉर असेंबली इलेक्शन 2018 इन एमपी? तो ये करेक्ट आंसर है माही सोनी, जो 2018 में अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं. 28 नवंबर को इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जो थे मध्य प्रदेश के, तो उसके लिए स्टेट आइकॉन जब बनाया गया था वो है माही सोनी. ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस तो नहीं, बट एक चाइल्ड एक्ट्रेस है जो जो कुछ सीरियल्स में आ चुकी है. तो इनको बनाया गया है ताकि ये लोगों को जागरूक कर सके कि हमको वोट देना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर ऑफ एमपी स्टेट कैबिनेट अवार्डेड विद भारत गौरव अवार्ड? 2018 के जो भारत गौरव अवार्ड है उसमें रिसेंटली अभी अवार्ड दिया गया है, और ये मिनिस्टर है एक श्री नारायण सिंह कुशवाहा, इनको दिया गया है, ठीक है. श्री जलंत मलैया जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट के स्टेट कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर है. और अंतर सिंह आर्य जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, और श्री पारस जैन जो है पब्लिक जो रिलेशंस है उसके मिनिस्टर है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है श्री नारायण सिंह कुशवाहा. अभी वैसे कैबिनेट चेंज होने की संभावना है, तो आप ज़्यादा इस पर अभी ध्यान ना दें. जो रिजल्ट आएंगे अभी वोट्स जब काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. देन है लास्ट क्वेश्चन है आज का, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड ऑन? नर्मदा जो है वो भी एक नदी है, गंभीर भी एक नदी है, तो इनको जोड़ा जा रहा है. और ये जो लिंक प्रोजेक्ट है ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, और ये कब इनॉग्रेट हुआ है ये डेट भी आपको याद रखनी है. और इसकी करेक्ट डेट है 27 सितंबर 2018 को ये इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का. वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कीप वॉचिंग. थैंक यू.